और दूसरी बड़ी खबर के रुख करेंगे जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। प्रदेश में कोरोना मरीज मिलने का रिकॉर्ड फिर टूटा है। 24 घंटे में 86 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। देर रात को 52 और मरीजों की पहचान हुई है। 19 कोरोना मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए। कुल एक्टिव करीब मरीज छत्तीसगढ़ में 489। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर कोरोना मरीज मिलने का रिकॉर्ड प्रदेश में एक बार फिर टूटा है। पिछले 24 घंटों में देर रात को 52 और मरीजों में कोरोना पाए जाने की पुष्टि हुई है, कोरोना की पहचान हुई है। कोविड-19 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए। हालांकि 19 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से जंग जीत के अपने घर लौट चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अब एक्टिव मरीजों की बात करें, एक्टिव केस यानी कि वो केस जिनका इलाज अभी भी चल रहा है, 489 ऐसे एक्टिव मरीज हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जिनका इलाज अभी चल रहा है। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मरीज पाए गए हैं। 152 नए मरीज पाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। सत्या राजपूत मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, 152 मरीजों की पहचान हुई है, कौन कौन से इलाके हैं जहां से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, सीएम, छत्तीसगढ़ में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बात करें तो ये सर्वाधिक केस मिलने वाला दिन 3 तारीख रहा है, जिसमें 86 केस की पहचान हुई और देर रात 52 मरीजों की पहचान की गई है। तो लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और इनका इलाज के लिए अभी भर्ती प्रक्रिया जारी है। और हम बात करें जो 52 मरीज मिले हैं, उसमें से माना अस्पताल में 22 मरीज भेजे गए हैं, कांकेर में 3 है और जगदलपुर से 3। इस तरह से लगातार जो मरीज आते जा रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो वहीं यहाँ पे देखें तो जो अब तक जो स्क्रीनिंग हुई है उसमें 76,486 है जिनका सैंपल भेजा गया है। वहीं 73,766 जो परिणाम है निगेटिव प्राप्त हुई है। तो वही 2114 का जांच जो स्क्रीनिंग बाकी है, सैंपल तो ले लिया गया है लेकिन स्क्रीनिंग बाकी है। शुक्रिया सत्यारा जानकारी के लिए।